सो गाइस वेलकम बैक। सो बेसिकली दिस रोड गोज़ टू मारगांव एंड दिस रोड गोज़ टू कानकोन। सो अभी जा रहा हूँ बैतूल फोर्ट में, देखेंगे क्या चल रहा है आज फोर्ट में। द व्यू फ्रॉम द बीच, ऑल द प्लेसेस। सो अभी मैंने क्रॉस किया नावेलिम मारगांव, तो जा रहे हैं अभी बैतूल में। कानकोन से थोड़ा नज़दीक है ये, बेसिकली लाइक 50 किलोमीटर्स फ्रॉम पेंजिम साइड एंड मारगांव से जस्ट 25। तो ये ब्रिज है असोलना में, फिशिंग भी कर सकते हो आप लोग इधर। प्लेस अच्छा, बहुत बढ़िया है। देयर इज द रेस्टोरेंट, दिस इज द ब्रिज एंड ये रास्ता है जाने के लिए बैतूल में। देयर सी पीपल आर डूइंग फिशिंग। ये रास्ता है बैतूल फोर्ट जाने के लिए, जा रहा हूँ बैतूल फोर्ट। स्मॉलेस्ट रोड इन गोवा, ऑल द हाउसेस हियर शॉप। सो वंस यू गो टू बैतूल फोर्ट यू विल फाइंड वन टेम्पल, महादेव प्रसन्न, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी विल बी प्रोसिक्यूटेड। ये रास्ता है बैतूल फोर्ट जाने के लिए, ऑलमोस्ट बैतूल बीच। आप देख सकते हो विद द व्यू, पीसफुल प्लेस है इधर। अभी जाएंगे एक्सप्लोर करेंगे। वेलकम टू बैतूल फोर्ट, सिचुएटेड ऑन द माउथ रिवर साल। बैतूल फोर्ट रिमेन्स मेमोरी गोवा हिस्ट्री। So this was built by 1679 by Chhatrapati Shivaji. Smallest fort located on the mouth of the river Sal. देख सकते हो आप लोग बीच उधर से, और ये है बीच। अभी थोड़ा वॉकिंग करेंगे इधर से। वाओ, देख सकते हो वो बीच है काउलोसिन। देख सकते हो आप लोग, पीपल आर डूइंग फिशिंग हियर। नुस्ता लगता ना? So that guy said no fish inside. This is the temple Shivaji Maharaj. Oh wow, that guy is doing fishing from down.
please rush first. So guys, आप लोग वॉक कर सकते हो इधर से. ट्रैकिंग ऑल्सो इज वेरी नाइस हियर. आप लोग को पूरा बीच मिलेगा ये सर. लेट्स गो एंड वॉक. सुनते लगता ना, देयर इज द बीच गाइस. दीज आर द रॉक्स, स्लिपरी. Guys, don't come in the rainy season here. Slippery. This is the beach area. Let's see what is there that side. Can see everywhere the trash, all the packets of chips. Bethul beach, peaceful place hai. Aap log aa sakte ho idhar relax karne ke liye. So wo beach hai Kawalosin beach, end beach here, ye side. Kayaking bhi kar sakte ho aap log idhar. This is a good place for kayaks and all these things. And one small temple lies here between the beach. So that is the fort on top. अभी जा रहा हूँ ऊपर देखने के लिए. Let's see the road to way to maybe from the climb. Bethul Fort. So this land and property belongs to Goa Customs, Goa of India. This is the old structure. So ये है Bethul Fort Chapel. Smallest fort. वेरी स्मॉलेस्ट फोर्ट इन गोवा. देख सकते हो आप लोग, शिवाजी का फ्लैग है. इट्स अ ओल्ड कैनन फ्रॉम द पोर्चुगीज टाइम. आ वाव, देख सकते हो आप लोग व्यू इधर से. So anyone can visit this place. This is a free entry. Yeah. In the monsoon time, it looks more beautiful. Bethul Fort was built in 17th century on the order of Chhatrapati Shivaji, perhaps the last fort he ordered to be built before his death. The strategic position of this fort at the meeting point of the Arabian Sea and Sal River gave up upper hand to them. So the area was later conquered and annexed by the Portuguese. This is the place. So guys, I hope you enjoy my video. Thanks for watching. See you next time.